नमस्कार बच्चों, तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का संस्कृत। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये जो संस्कृत है ना, देखो संस्कृत कक्षा 8वीं में एक आमोद है और एक आनंद है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ आमोद। ठीक है, तो आमोद में सबसे पहला जो आपका पार्ट है, ठीक है, ये क्या है? प्रार्थना। इसे आपको क्या करना है? बस इसको लर्न करना है। ठीक है, प्रार्थना होती है ना, जैसे हम लोग स्कूल में प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने जब जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रार्थना दी गई है जिसे आपको बस याद करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसमें प्रश्न और उत्तर कुछ भी नहीं दिए गए हैं, बस आपको इन्हें पढ़ना है, समझना है और याद करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका जो पहला प्रार्थना है वो क्या दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए बच्चों, यहाँ पे भगवान गणेश जी की वंदना दी गई है। वैसे आप लोगों ने इसको सुना भी होगा, है ना, जब पंडित जी पूजा करवाते हैं तो ये जो श्लोक है, ठीक है, ये जो यहाँ पे प्रार्थना दी गई है इसको बोलते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। आप में से तो कई लोगों को ये याद भी होगा, है ना, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इसका मतलब बताती हूँ कि इसका मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए बच्चों, वक्रतुंड, वक्रतुंड यानी क्या होता है ना, देखो वक्र यानी क्या होता है, मुड़ा हुआ, और तुंड यानी क्या, मुंह। ठीक है, वक्रतुंड यानी कि मुड़ा हुआ मुंह, महाकाय, महाकाय यानी कि बहुत बड़ा। ठीक है, महाकाय यानी बहुत बड़ा। सूर्यकोटि समप्रभ यानी कि सूर्य के समान प्रतिभाशाली। ठीक है, जैसे सूर्य भगवान कैसे प्रतिभावान होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है भगवान गणेश को सूर्यकोटि समप्रभ यानी कि सूर्य के समान प्रतिभावान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से समझो। वक्रतुंड महाकाय, यहाँ पे श्री गणेश जी की बात की जा रही है, और क्या कहा जा रहा है कि जिनका मुख क्या है, मुड़ा हुआ है, और ये इतने विशाल काय शरीर वाले हैं, और ये भगवान गणेश कैसे हैं, सूर्यकोटि समप्रभ यानी कि करोड़ों सूर्यों के जैसे प्रतिभावान है। निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। फिर यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, देखो निर्विघ्नम क्या होता है, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के। ठीक है, कुरु मे देव यानी कि हे प्रभु, जो भी मेरा काम है उसको आप निर्विघ्न क्या करें, पूरा करें। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो भक्त है वो भगवान गणेश से प्रार्थना करता है। ठीक है, देखिए हम कोई भी शुभ काम की शुरुआत करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले ये जो श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं ना, इसको बोला जाता है। ठीक है, कोई भी हम काम करने गए तो इसको हम बोलते हैं कि भगवान गणेश हमारे ऊपर कृपा करे जिससे हमारा जो काम है वो निर्विघ्न पूरा हो, हमारे काम में कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से इस श्लोक को पढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा जिन बच्चों को याद नहीं है, और आप कोई भी नया काम करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो आप इस श्लोक को बोल सकते हैं। तो क्या है, एक बार फिर से पढ़िए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ठीक है, चलिए ये तो भगवान गणेश की वंदना हो गई। अब माँ शारदे की वंदना देखेंगे, सरस्वती मैया जो विद्या की देवी हैं। ठीक है, जो हमको क्या देती हैं बच्चों, ज्ञान देती हैं। तो आप सभी बच्चों पढ़ने वाले हो, तो आप लोगों को सरस्वती माता की वंदना नित्य करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम ये जो श्लोक दिया गया है इसको पढ़ते हैं, और फिर मैं आप लोगों को इसका अर्थ भी बताऊंगी। तो क्या दिया गया है इसमें, देखो। नमामि शारदाम देवीम वीणा पुस्तक धारिणीम विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। देखो बच्चों, यहाँ पे माँ शारदे को क्या बोला जा रहा है कि नमामि, नमामि यानी क्या होता है बच्चों, अपने सिर को झुकाना। ठीक है, नमामि यानी क्या, सिर को झुकाना। शारदाम देवी, शारदा यानी क्या, सरस्वती मैया। ठीक है, शारदाम देवी यानी सरस्वती देवी। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा, वीणा यानी क्या, वीणा, और पुस्तक यानी आपको पता है पुस्तक। ठीक है, धारिणी यानी कि ये जो सरस्वती मैया है, जैसे आप यहाँ पे इनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे, देखिए इनके हाथों में क्या है बच्चों, वीणा है। ठीक है, इनके हाथों में वीणा रहती है और पुस्तक रहती है। तो यहाँ पे जो श्लोक है इसमें क्या बोला जा रहा है कि नमामि शारदाम देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे शारदा देवी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हे देवी, मैं आपको सिर झुकाता हूँ, यानी कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, विद्या को आरंभ करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। अब ये आपका पहला पाठ है तो यहीं से आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ये लिखा है कि विद्यारंभम करिष्यामि, विद्या आरंभम, ठीक है। आप इसको आधा आधा करके समझो, समझ आएगा, बहुत ही आसान होता है बच्चों संस्कृत, ठीक है। और इसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेरे पास भी कई सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि टीचर संस्कृत बहुत हार्ड होता है, समझ नहीं आता। तो बच्चों ऐसे कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। संस्कृत भी बहुत ही आसान है, अगर आप उसको समझेंगे ना तो आपको इजी ही लगेगा। जैसे हिंदी आपको आसान लगता होगा, वैसे ही संस्कृत भी होता है, ठीक है ना। तो बस आप मन लगा करके पढ़ाई करो। और बच्चों एक और फायदा मैं आप लोग को बता दूँ, संस्कृत पढ़ने से जो हमारी स्मरण शक्ति है, ठीक है, हमारा दिमाग भी तेज होता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को संस्कृत पढ़ना चाहिए, और मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगी, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, हर एक लेसन में बताऊंगी, हर एक क्वेश्चन आंसर भी दूंगी, ठीक है। तो चलो अभी कहाँ पर थे हम लोग, विद्यारंभम करिष्यामि, यानी कि मैं विद्या को आरंभ करने जा रहा हूँ, प्रसन्ना भव सर्वदा, आप हमेशा मेरे ऊपर प्रसन्न रहिए, आप हमेशा मेरे ऊपर कृपा करिए, ठीक है। तो एक छात्र, जैसे कि अभी आप बच्चे हो, तो आप लोगों को सरस्वती मैया से रोज ये प्रार्थना करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सुबह उठते हो ना स्कूल जाने के लिए, तो उनसे एक दो मिनट खड़े होकर के प्रार्थना करो कि नमामि शारदाम देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया शारदा देवी का, शारदा देवी की वंदना। अब बच्चों यहाँ पे गुरु जी की वंदना है, ठीक है। गुरु जी जो हमारे होते हैं, जो हमको क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, ये श्लोक भी आप लोग को आता ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आता होगा क्योंकि आप लोगों ने इसको कई बार कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। नहीं सुना है तो अब सुन लीजिएगा और इसका अर्थ भी समझ लीजिएगा। क्या बोला गया इसमें, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए बच्चों यहाँ पे गुरु की प्रार्थना की जा रही है, क्या बोला जा रहा है कि गुरुर ब्रह्मा, यानी कि गुरु कौन है, ब्रह्मा है, ठीक है। जैसे आपने ये दोहा सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए, यानी कि जो गुरु जी होते हैं ना वो गोविंद से भी बड़े होते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने भगवान खड़े हैं और आपके गुरु जी खड़े हैं, ठीक है, तो जो भक्त है वो सोचता है कि मैं पहले गुरुजी को प्रणाम करूं कि भगवान को प्रणाम करूं, ठीक है। वो क्या सोचता है, दोनों जन खड़े हैं, यहाँ पे गुरुजी खड़े हैं, यहाँ पे प्रभु जी खड़े हैं, अब ये सोच रहा है कि किसको पहले प्रणाम करूं, पहले गुरुजी को करूं या फिर भगवान को करूं। तो भगवान ने खुद बोला कि तुम पहले गुरु जी को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु जी ने तुमको क्या दिया है, ज्ञान दिया है। अगर ये नहीं होते तो तुम ये नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ, इन्होंने ही तुमको बताया कि मैं कौन हूँ, भगवान हूँ। इसलिए मेरे से भी बड़ा कौन है, गुरु है, ठीक है। तो इसलिए गुरु जी की प्रार्थना आप लोग को करनी ही चाहिए, उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया कि गुरुर ब्रह्मा, यानी कि गुरु जी क्या है, ब्रह्मा है। गुरुर विष्णु, गुरु ही क्या है, विष्णु है। गुरुर देवो महेश्वर, और गुरु क्या है, देवो के देव यानी भगवान शिव है, ठीक है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और गुरु क्या है, साक्षात परम ब्रह्म है। जो परम ब्रह्म जिस भगवान की हम लोग बात करते हैं वो कौन है, गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए गुरु जी के चरणों में आप लोग को क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्या बोला गया यहाँ पे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुर देवो महेश्वरा, और गुरु ही देवों के देव यानी महादेव हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, और गुरु साक्षात कौन है, परम ब्रह्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। समझ में आया बच्चों, तो ये श्लोक भी आप लोग को याद करना चाहिए। वैसे कई बच्चों के स्कूल में ये प्रार्थना होती भी होगी, ठीक है, नहीं होती होगी तो आप इसको याद कर सकते हो और रोज ऐसे सुबह सुबह प्रार्थना कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी आगे वाला देख लेते हैं। यहाँ पे संस्कृतम ये प्रशंसन्ति, ये प्रशंसन्ति संस्कृतिम,
स्वदेशम ये च संसन्ति धन्यम जीवन्ति ते नरा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया कि जो लोग संस्कृत भाषा और अपने संस्कृति की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है, उनका जीवन क्या है बच्चों, धन्य है। ठीक है, धन्यम जीवन्ति ते नरा, यानी कि उस नर का जीवन क्या है, धन्य है। किन लोगों का, जो अपने धरती माता, जो अपने संस्कृति के ऊपर गर्व करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों का जीवन क्या है, धन्य है। और बच्चों एक और बात मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी, जो हमारी मातृभूमि है ना, हमें उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे आज भी लोग, कई सारे लोग विदेशों में रहते हैं, ठीक है, तो क्या वो विदेशों में रहते हैं तो भारत को भूल जाते हैं? नहीं, वो अपनी भारत भूमि का बहुत सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही लोगों का जीवन क्या है बच्चों, धन्य है, ठीक है ना। तो बस ये थी प्रार्थना, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग फिर से इसको पढ़िए, याद करने की कोशिश करिए, ठीक है, और बस इसको आप लोग को पढ़ना था। इसमें प्रश्न उत्तर कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।